सोमवार को उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीब 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के पहले चरण में 1,000 रुपये की धनराशि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को खातों में ट्रांसफर की। यह धनराशि उन श्रमिकों के खातों में भेजी गई जिन्होंने 31 दिसंबर तक ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के रोजगार एवं श्रम मंत्रालय ने करीब 4 माह पूर्व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए ई श्रम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से श्रमिकों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह धनराशि उन श्रमिकों को दी जाएगी जिन्होंने अभी तक श्रम विभाग की किसी योजना का लाभ नहीं लिया है और वे लोग आसानी से आजीविका चला सकें। केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी ई श्रम कार्ड योजना के तहत कामगारों को 500 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान कर रखा है। इस योजना के तहत दिसंबर से मार्च यानी 4 माह तक 500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। कुल मिलाकर 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसकी 1,000 की 2 किश्तें जारी होंगी। आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या 5,90,00,000 से अधिक है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपना अकाउंट कैसे चेक करें कि आपके अकाउंट में ई श्रम कार्ड का पैसा आया है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट चेक करना होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि जिस बैंक में आपका खाता है वहां जाकर अपना बैलेंस देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पासबुक में एंट्री भी करा सकते हैं, अथवा गूगल पे, पेटीएम वॉलेट के ज़रिए भी आप अपने बैलेंस की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के टोल फ्री नंबर से भी आप अपने अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में ई श्रम कार्ड का पैसा आया या नहीं।